हमारा बायोएनर्जेटिक लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम देखेंगे कि हीम प्रोटीन क्या होता है और हीमोग्लोबिन, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे। ये हमारा ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ डाई ऑक्सीजन का पार्ट है, यूनिट 1 का। इसमें हम पहले देखते हैं कि हीम प्रोटीन क्या होता है। हीम प्रोटीन इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें एक हीम रहेगा और प्रोटीन रहेगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, और मेटलो एंजाइम भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हीम में एक मेटल एटम प्रेजेंट रहते हैं, तो मेटल और प्रोटीन, मेटलो प्रोटीन। और हीम का काम रह क्या रहता है, ये ऑक्सीजन कैरी करता है और ऑक्सीजन का रिडक्शन कर सकता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला प्रोसेस भी होता है। हीम एंड प्रोटीन दोनों के बीच बॉन्ड पाया जाता है, और ये बॉन्ड कैसा होता है, ये कोवेलेंट भी हो सकता है और नॉन कोवेलेंट भी हो सकता है। नॉन कोवेलेंट और कोवेलेंट दोनों हो सकता है। नॉन कोवेलेंट मतलब आयनिक बॉन्ड वगैरह, और इसमें लोन लोन पेयर शेयरिंग करते हैं, फिर ऐसे बॉन्ड बनते हैं वाला। दोनों टाइप्स के बॉन्ड इसमें पाए जा सकते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं क्या क्या होता है। इसके एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं इसको, और मायोग्लोबिन, और ऐसी बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं। हम अब देखेंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है। ये हमारे हीमोग्लोबिन का इंट्रो है, इसमें देखते हैं क्या है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन मेटल विद ग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स है किसका, इसका आयरन मेटल का और ग्लोबिन प्रोटीन का। इट इज रेड पर्पल कलर ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन। इसका कलर रेड पर्पल होता है और ये ऑक्सीजन कैरी करता है। प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ये कैसे बनता है, जब एक एफ ई, ये चार एफ ई हो गए, हाँ, जब चार एफ ई ग्रुप एक ग्लोबिन दोनों मिलते हैं तब एक हीमोग्लोबिन बनता है। और हीमोग्लोबिन हमारा कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, चार ऑक्सीजन कैरी करता है। एक हीम ग्रुप के द्वारा एक ऑक्सीजन कैरी किया जाता है, तो चार चार हीम ग्रुप है हमारे पास, तो टोटल कितने कैरी करेगा, चार। इसको हम आगे और देखते हैं। यह हमारा हीमोग्लोबिन का फ्लो चार्ट है। इसमें हम कंप्लीट देखेंगे कि हीमोग्लोबिन में उसका स्ट्रक्चर वगैरह कैसे होता है। हीमोग्लोबिन को हम नॉर्मली दो पार्ट में कर सकते हैं डिवाइड। इसमें हीम चार रहेंगे और एक ग्लोबिन रहेगा, और एक ग्लोबिन जो है दो अल्फा और दो बीटा में बटा रहेगा, और दो अल्फा में 141 एमिनो एसिड रहेंगे, और जो दो बीटा है उसमें 146 एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। यदि इसमें मैं आपको बताऊं कि एमिनो एसिड क्या होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट ये हमारा एक एमिनो एसिड होगा, और यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक का पार्ट ये हमारा दूसरा एमिनो एसिड होगा। वैसे ही मतलब उसमें 141 एमिनो एसिड रहेंगे, वैसे यहाँ 141 एमिनो एसिड रहेंगे और यहाँ 146। ये नीचे में स्ट्रक्चर बनाया हूँ, ये ग्लोबिन है हमारा, ये दो अल्फा ग्लोबिन है, ये दो बीटा। इसमें ग्लोबिन एक ही रहेगा जो दो पार्ट में बटा रहेगा, टू अल्फा और टू बीटा में, ये टू अल्फा में बटा है और टू बीटा में, ये पूरा एक ही ग्लोबिन है। अब हीम ग्रुप में आते हैं। हीम ग्रुप हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, और ये ग्लोबिन हमारा प्रोटीन पार्ट, और ये दोनों मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बनाते हैं। हीम ग्रुप हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है रेड मतलब ब्लड को रेड करने के लिए, और इसको हम आयरन पोरफायरिन भी बोलते हैं। इसमें मेटल एटम पूछा जाए तो इसमें मेटल एटम एफ ही रहते हैं, और एक एफ ही एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है। और इसकी संरचना हम देखें हीम की, तो इसकी संरचना पहले देख लेते हैं। यह हमारे हीम का स्ट्रक्चर है। इसमें सेंट्रल मेटल एटम एफ ही होता है, जिसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और इसमें चार पायरो रिंग होते हैं। ये हमारा पायरो रिंग है, 1, 2, 3 और ये चार। ये चारों पायरो रिंग हमारा CH के थ्रू एक दूसरे से लिंक रहते हैं। ये CH है, ये CH है, ये CH, चारों एक दूसरे से लिंक हैं। इसमें साइड चैन भी प्रेजेंट रहते हैं। साइड चैन कौन सा है हमारा, ये सब हमारे साइड चैन है ये। तो इसमें कितने कितने कौन से साइड चैन हैं, इसमें चार मेथिल साइड चैन है हमारा। ये एक मेथिल हुआ, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। मतलब इसमें चार मेथिल साइड चैन के रूप में प्रेजेंट हैं, और दो वाइनाइल, ये एक वाइनाइल हो गया और ये दूसरा। इसमें दो प्रोपियोनेट ग्रुप भी प्रेजेंट रहते हैं, ये एक हमारा हुआ और ये दूसरा। सेम यहाँ मैं लिखा हूँ आयरन पोरफायरिन का स्ट्रक्चर। चार पायरो रिंग होंगे, जिसमें वो मेथिल रिंग से एक दूसरे से लिंक रहेगा, और साइड चैन इसमें चार मेथिल ग्रुप रहेंगे, दो वाइनाइल ग्रुप और दो प्रोपियोनेट ग्रुप, जिसको हम स्ट्रक्चर में देखे हैं अभी। अब यहाँ हम थोड़ा सा और देखते हैं। ये हमारा ग्लोबिन है, ग्लोबिन के पास दो अल्फ़ा और दो बीटा है, तो एक अल्फ़ा में
एक एफ ही प्रेजेंट रहेगा और दूसरे अल्फा में एक एफ ही, वैसे ही बीटा में भी एक एफ ही और दूसरे बीटा में भी एक एफ ही प्रेजेंट रहेगा। मतलब ये चारों हीम ग्रुप ग्लोबिन के एक एक पार्ट में प्रेजेंट रहेंगे। और एक हीमोग्लोबिन हमारा चार ऑक्सीजन कैरी करता है, तो ये टोटल हमारा कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा? एक रेड रेड ब्लड सेल्स, एक रेड ब्लड सेल्स में हमारा 250 मिलियन हीमोग्लोबिन रहता है, तो टोटल ऑक्सीजन कितना कैरी कर सकता है? एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन कैरी करता है, तो इसको चार से गुना कर देंगे 250 को, तो 1000 मिलियन ऑक्सीजन कैरी करेगा एक हीमोग्लोबिन। ये ग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ये हमारा ग्लोबिन है जो चार हीम क्रो अपने ऊपर समेटे हुए है। और इसका हम एक और स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें ये अल्फ़ा 141 अल्फ़ा, 141 अल्फ़ा, 146 बीटा, 146 बीटा, मतलब 146 एमिनो एसिड बीटा वाले में है और 141 अल्फ़ा वाले में। यही था हमारे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। इसका फंक्शन आगे देखते हैं। हीमोग्लोबिन का फंक्शन यह होता है कि वह ऑक्सीजन को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, और एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और रेड ब्लड सेल्स में 250 हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो 1000 मिलियन एक रेड ब्लड सेल द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ साथ CO2 का भी ट्रांसपोर्ट करता है। ये सब जो फंक्शन मैं बता रहा हूँ वो थ्योरेटिकल है, और इसका अच्छा से डील हमारे नोट्स में किया गया है। आप हमसे नोट्स के लिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9174177823। आज के लिए बस इतना ही। Yeah.